हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। व्हाट्सअप, क्या हाल है? अरे बात कर यार अर्चित, सुबह सुबह दिमाग खराब कर लग रहा है भाई। अभी अभी है ना आँख खुली और ये लोग तीनों ना ब्रेकफास्ट कराए मेरे बिना। नंबर दो, एक चीज़ और बताऊँगा तुम्हें कि मेरे पास कॉमेंट आ रहे थे अभी उस चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई रूबीकॉन का क्या अपडेट है, क्या अपडेट नहीं है। अर्चित इधर लेट, पहले बात तो मेरे गैल तू। हाँ भाई, एक बार बता मेरे तय, रूबीकॉन के कंपैरिजन में कौन सी गाड़ी इस रेंज में प्राइस में? फॉर्च्यूनर कितने की हो रखे हैं नए वाली? भाई फॉर्च्यूनर तो 4x2 रखी है 50 लाख की, और लेजेंडर बता रहा हूँ, और 4x4 और 54 लाख की। रूबीकॉन 70 लाख की भाई। उसका कितने का डिफरेंस है, BHP में कितना डिफरेंस है इन दोनों की में? भाई रूबीकॉन ज़्यादा पाएगी, एक मिनट रुको। भाई रूबीकॉन पाप पाइन की, एक बार बताऊं तो लेजेंडर की तो अपनी 204 और 203 या 204 है, और टॉर्क 500 है। भाई रूबीकॉन की फीलिंग ही अलग है यार, जब थार चला ली ना तो फिर फॉर्च्यूनर का जीना करा। फॉर्च्यूनर भाई पे भी आएगी, एलविश पे भी। फॉर्च्यूनर मतलब वाली गाड़ी होगी थोड़ी SUV टाइप, सटल। रूबीकॉन अपनी बिल्कुल वो है ऑफरोडर। भाई जो भी सीन है ना अभी देख, जल्दी खोल ले, इस तरह नेट ना चल रहा है, वाईफाई कनेक्ट कर ले यार, वही करो, दिमाग खराब करने ला रहा, खम्मा खाम है। एक तो इनका इसी दिमाग खराब करवाना लग रहा है मेरा यार। जल्दी खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल। खोल ले भाई छोरे ने, इसमें खोल ले रूबीकॉन ना, न्यू शेप की देखियो भाई, कदे वाली देख लो। और 90 लाख रुपए की नहीं, वो कौन सी थी 90 की? कोई इसकी सब कुछ बता दे परफॉर्मेंस वाइज के ना, क्योंकि भाई मेरे को मैंने है ना यहाँ पे तो पंजाब में तो मैं पता है चंडीगढ़ मोहाली में इतनी रूबीकॉन है, मैंने है ना कल तभी देखने लग रहा हूँ। और जितनी इतनी मैं गाड़ी चलती देखता हूँ ना रोड पे, मेरा उतना जी कर जा। पावर तो ये लगा लो, लेजेंड देखो इसमें पेट्रोल में आती है पहली बात तो। डीजल में आती है ना? नहीं, पक्की बात है भाई, देख लो इसमें ये लिखा रूबीकॉन नहीं आती, वो भी नहीं अनलिमिटेड भी नहीं आती, मतलब रेंगुलर, वैसे तो रेंगुलर है। ओके एवरेज इनकी, एवरेज तो देखनी क्या है फिर, छोड़। 5-6 की एवरेज है, टॉर्क कम है लेजेंडर से पर पावर ज़्यादा है। टॉर्क कितनी है लेजेंडर की? 4 लेजेंडर की 500 cc 400 है, पर अरे इसमें तो हरा देगी लेजेंडर को आराम से। ओके, और पिकअप विकअप में ज़्यादा होगी ये आराम से भाई, और है ही प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल है ना ये भाई, ऑन रोड पड़ रही है 70, तो इसकी कार्रवाई बिठाते हैं अगले 1-2 महीने में। फिलहाल 8.5 सेकेंड ना भाई सो। और लेजेंडर कितने में? 9.1 या 2 में। अजी हाँ 9.10 लगा दे मिनिमम, 9.2 हो जाता भाई, 10 तो पुराने वाले फॉर्च्यूनर थी। इसका वेट भी तो ज्यादा होगा उससे फिर, तभी तो 8.5 मोरी ना भाई। ऑफ रोडर भी तो है, ऊपर से नंबर दो इसकी थोड़ी लेंथ में भी बड़ी है लेजेंडर था ना, नो डाउट बहुत बड़ी है तो ना, लेजेंडर था लेंथ में भी बड़ी हैगी। कई चीजें भाई अलग ही सेगमेंट है थोड़ा सा ना, मतलब फॉर्च्यूनर SUV ये प्रॉपर SUV ऑफ रोडर है, कंपैरिजन नहीं है तो वो है भाई। हाँ चलो भाई पहले पैक पुक करके निकले, वे भाईयर भी आ रखे हैं नीचे के, क्लियर करते हैं सिस्टम, ठंड लग रही है मन तो। ठीक है गाइस, चेंज वेंज करके निकले हैं और मिलते हैं आपको उधर साइड गाड़ी वाड़ी में बैठ कर निकलते टाइम। भाई वाह क्या हाल है, तो हम भाई चेकआउट चुकआउट करके निकल दिए आएंगे बाड़क। चुकआउट तो करा भाई, चुकआउट ही करते रहे हम तो, हमारा नू ही हैगा। तो फिलहाल जा रहे हैं एक बारी कुंडली एक भाई से मिलना, भाई से मिलकर फिर सीधा घर निकलेंगे। और शाम भाई परमेश भाई आ रहे ना, आ रहे हैं सामने, परवीन भाई से मिलेंगे और जो भी सीन हुआ तो मैं दिखाता हूँ सिस्टम। ठीक है, मैंने ब्लॉग भी अभी स्टार्ट कराएगा क्योंकि सुबह पहले सुबह लेट था 6 बजे, फिर उठा लेट, मन तो ब्रेकफास्ट भी ना करा, मतलब बाद में करा, ये तो कराए मेरे तो बिना पूछे कराए यार, ये लक्ष्य चित का तो सिस्टम यू है भाई। इनकी फोन बज रहा था तेरे कान सुनो, आपको टाइम पे फोन कर दिया था इनको भाई, मेरे एक बात बता। हाँ। मैंने सुना मेरे दोरे तो सो रहा था यो। हाँ। इसका रिंग पे था ना? हाँ, बज रहा था फोन। अच्छा फिर पूरा बज रहा था, कान दो रहा है। अरे तो मैं उस टाइम नींद में, तुमने ये नहीं कह सकते भाई उठियो भाई, मैं क्यों पाप अपने सिर पे लूं किसी ने? अरे पाप की क्या भाई, इसमें नू कटा था, उठियो भाई खाना ना खाओगे छोटे, मैंने कई बार करके देख लिया। अजी हां तूने एक बार यू भी ना करा होगा, तेरा लात मारी तू उठाई ना, मैंने कहा अब क्या उठाऊं साडे को, बीत में लात मार दी होगी यार, नाम मेरा ले दिया भाई। मैं जान दे पहला बाल का था, वो प्यारा था बदाम से एक प्यासी हो गई थी भाई, स्पोर्ट्स में खेचम खेच लाए तो प्यासी तो ही जा।
अर्चित चल रहे हैं एक बार भाई के कह अनदर डे अनदर बीटी भाई हमारी गैल तो लग लिया कोई भूत प्रेत लग लिया वो लंबी डियार माई थाला भाई पता नहीं क्या लग लिया क्या नहीं लग लिया चलती गाड़ी पे हाईवे पे सडनली टायर फट गया मतलब बस्ट हो गया फट गया 120 की स्पीड थी भाई हमारी पता नहीं वो तो अच्छा है कि स्लो स्पीड थी पता लगी वो तो आवाज आ गई थी कि भाई यार मिले राम राम जी राम राम भाई यार नु कह रहे हैं कि चलो जी आगे पंचरवाड़ा है तो भाई यार हेल्प करवा रहे हैं इस चीज में अच्छा लगा भाई ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहा करो सारे हम तो यही काम है हम तो बिल्कुल करते हैं इंसानियत ऐसे जिंदा रहेगी अपने हिंदू भाई भाई पंचरवाड़ा और ना मिल रहा है यहाँ पर मिल गया भाई रे चलियो हमारे गए लो टायर फट गया पीछे गाड़ी का गेल कैसे चल अरे ले लिए 550 रुपए भाई मैं ना जाता मैं तो खाना खाया गाड़ी की तो अरे खाना खुआ देंगे तेरे टेंशन क्यों ले रहा यार अरे इनसे बात कर लो यार रोना रुको भाई साहब क्या हाल है हमारा टायर फट गया गाड़ी का चल लो यार पीछे खड़िया स्टेपनी भी ना है चल तो दो आप एक बार चलो तो सही पंचर वाला और मिलेगा इसको और पता कर ले मैं भाइयो देखो अब एक बार पता करते हैं कि ट्यूब लगा के अगर गुड़गांव तक पहुंच गए तो गुड़गांव में करवा लेंगे चेंज वरना फिर चेतन भाई तक क्या कहें यहीं करवाऊंगा स्लो लेके जानी पड़ेगी पर ये 60 तक अभी भाई टायर खत्म है या पंचर है तो भाई अब एक ही इलाज है जो इस प्रोफाइल का टायर है उससे सेकंड हैंड यहाँ से खरीदना पड़ेगा क्योंकि नया तो यहाँ मिलेगा नहीं और चारों इकट्ठे चेंज कराएंगे सेट लेंगे अच्छी कंपनी का वो गुड़गांव से कराएंगे तो फटाफट ये चेंज करवा के फिर निकलते हैं यार बताओ भाई का गोदाम है टायर का गोदाम ये देखो कितना जना पड़ा है भाई ये टायर है खत्म है खत्म भाई वहाँ पे पंचर वंचर लगवा के सेकंड हैंड टायर लेके आए क्योंकि नया मिला नहीं वहाँ से निकल दिए थे 3,350 का वैसे सेकंड हैंड 3,350 का सेकंड हैंड टायर मिला नींद का नशा हो रहा का घना कैडा वहाँ पे भाई यार गए थे भाई कैड भी लग रहे थे कह रहा भाई तब ने छोले भटूरे खा लिए तब ने नींद आ जाओगी छोले भटूरे मैंने खाया डोसा बेटा नशा तो डोसे में पढ़ाई वो भाई कई चीज खा ली थी पानी में तीनों बेहोश पड़े हो देखे बेहोश आगे पड़ा यो लक्ष्य क्यों ना लक्ष्य के ऊपर काम कराओ इंग्लिश वर्ड बोल रहा कार्डिगन कौन से चटके मैं कह रहा हूँ अर्चित भाई लेफ्ट लेना यहाँ से अर्चित उस है शरीर तो भी बुढ़ा असली में भी बुढ़ा और वैसे भी बुढ़ा अरे बुढ़े बेटा हमने देखते ऐसे थे लिया था चंडीगढ़ में जितनी तेरी फटा है अर्चित है तो भाई मैं बता ना था कुछ चंडीगढ़ का ऐसा कर दिया मैंने लास्ट दिन अच्छा क्या कर दिया था भाई भूतों तो इसकी ऐसी वो होगी थी हालांकि ऐसी चीज यार तुम कहाँ रह रहे हो अपना भगवान का ध्यान करो भाई हम तो सोएंगे हम ना सोएंगे हमारा तो रूम ही हम क्यों सोए भाई वहाँ अरे मैं तुम्हारे कल सो भी रहा था सेकंड दिन बहुत ठीक है फिर मैं लेट चल दिया चलो गाइस जो भी सीन है ठीक है गाइस चलो अभी जा रहे हैं भाई के पास फिर घर चले चल रहे हैं और मम्मी से मिलवाते हैं बहुत दिन हो गए 2-3 दिन हो गए घर गए उठ भी इस बैक टू आवर थार और जाम देख लो भाई कितना ज्यादा है पिछले आधे घंटे तक इसी में ही है हेल्प घर निकल गया और मैं भी निकल रहा हूँ थोड़ी देर में हम जहाँ जाएंगे उस जगह का नाम भी आपको बता देंगे नाक थोड़ा सा बंद हो रखा है मुझे माइंड मत करना ठीक है अर्चित पात्र को क्या लगता है कौन जीतेगा आईपीएल मैच मुंबई या सीएसके मुंबई क्योंकि अर्चित है
पैसा लगा रखे बॉम्बे में। गाइस हेलो, गाइस हेलो, गाइस क्या कर रहे हैं? इसमें क्या कर रही थी दो दिन पे हैं? पावनी क्या कर रही थी दो दिन से? क्या कर रही थी दो दिन से? हाँ फोन ना खा रहा कोई भी। मम्मा डाल दो फटाफट, आज खा घर का खाना खाएंगे भाई। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद तो क्या, दो दिन बाद भूख लग रही है। गनी कह दी दे दो, भाभी का फोन आएगा। अरे इसने देख रहे हैं अपनी मम्मी की याद ना आती कभी। पावनी ने तो कह रही मैं ना जा रही, मैं तो यही रहूँगी, मम्मी को जान दो मम्मा के। कैसे खड़ी है भाई? खड़ा सो जाओ ना जाके, टाइम हो गया। अब पांडन लग रहा है, अपना पेट कम कर रहा, तुम भी करो। हाँ भाई मेरा पेट है ना, देखे डबल चीन आ रखा। यू करूंगी गूंद खाया उसको कम कर लो। विराज की ओर गूंद खाया और वो खाया। अच्छा विराज का गूंद बांधना, खुद खा गई होगी। और वो खाया हलवा खाया। कब आएंगे वे? कल। ठीक है गाड़ी धोगी आई भाई, बाकी मैं तब आए करूँ शाम नहीं तो शाम नहीं धो दे भाई। भाई धोने के बाद तो अलग ही लगे। कल इसको एक बार इंजन लाइट ऑफ नहीं हुई है, मतलब इसकी इंजन लाइट स्टिल इज देयर, तो उसको ठीक करवाना पड़ेगा। कल छोड़ के आएंगे गाड़ी इंजन लाइट के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके टर्बो में दिक्कत है। क्योंकि उस दिन तो उन्होंने चिंटू और ने एक बार इसका बैटरी का तार हटा के लगा दिया था, उससे चली गई थी। पर अगर दोबारा आ रही है तो मतलब कहना कोई ना कोई दिक्कत है। मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर आ रही होगी तो। अरे यार पहले बंद करना पड़ेगा। हाँ तो रही भाई खुल जा। एक कौन सा दरवाज़ा खुलना भाई? अभी तो आया था शायद। अपना ऐसा ही है भैया, अपना ऐसा ही है। सीनियर को समझना आ रहा, कदे आवे कदे चली जावे, अब है नहीं देखो। तो भाई वापस आ गए थे हर जगह से घूम घाम के, और टाइम हो गया सोने का। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और सब कुछ कर दो, ठीक है? शेयर कर दो वीडियो को बढ़िया, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, गाना भी जल्दी आ रहा है। बाकी कल एक गाड़ी की डिलीवरी अपने एक खास भाई की, किसकी है वो मैं कल ही रिवील करूँगा, कल बड़े ब्लॉग में तुम्हें पता लगेगा। बाकी इंस्टाग्राम पे अपडेट रहा करो, स्नैपचैट पे अपडेट रहा करो, क्योंकि मैं शायद यूट्यूब से पहले कई बार वहाँ स्टोरी वगैरह डाल देता हूँ। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी गाइस, ठीक है? लव यू जी, टेक केयर, बाय बाय।